नमस्कार, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप इसने अगर अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बंगाल का एग्जिट पोल, इसे आप पोल साफ पोल भी कह सकते हैं। इस वीडियो को आप संभाल कर रखें। हमारा दावा है कि 2 मई को जब रिजल्ट आएंगे तो आप इसको ज़रूर मिलाइएगा। पश्चिम बंगाल के समेत 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, इनमें केरल, तमिलनाडु, आसाम भी शामिल है। यहाँ पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 27 मार्च को होगा, 30 सीटों का हो चुका है। 1 अप्रैल 30 सीटों का एक चरण हो चुका है, 6 अप्रैल को 31 सीटों का एक चरण हो चुका है और अभी नवीनतम जो चरण हुआ है 44 सीटों का 10 अप्रैल को हो चुका है और 17 अप्रैल को 45 सीटों का इन सारे चुनावों का सबसे बड़ा चरण होने जा रहा है। 22 अप्रैल को 43 सीटों का होगा, 26 अप्रैल को 36 सीटों पर चुनाव होगा, 29 अप्रैल को आखिरी चरण होगा जब पश्चिम बंगाल की 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा होगा। 2 मई को इन चुनावों के नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल में जो मौजूदा स्थिति है उसमें अभी 4 प्रमुख मोर्चे जो हैं वो मैदान में हैं। इनमें एक है TMC+, दूसरा है NDA+, तीसरा है संयुक्त मोर्चा और चौथा है SUCI। चलिए हम बताते हैं आपको कौन कहाँ से कैसे कैसा है। तृणमूल कांग्रेस कुल 294 सीटें जो पश्चिम बंगाल में हैं उनमें से 290 पर लड़ रही है। उसने अपने सहयोगी दल GJM को 3 सीटें दी हैं और 1 सीट उसने निर्दलीय उम्मीदवार को दी है। दूसरा जो मोर्चा है वो है भारतीय जनता पार्टी अभिनीत उनके नेतृत्व में है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 293 सीट पर BJP लड़ रही है और उनकी जो सहयोगी पार्टी है वो AJSU है, जो 1 सीट पर पश्चिम बंगाल में मैदान में है। तीसरा जो मोर्चा है वो सबसे बड़ा मोर्चा है, संयुक्त मोर्चा, यूनाइटेड फ्रंट जैसे कहते हैं इसको, CPIM लीड कर रही। CPIM चूंकि पश्चिम बंगाल में पहले रह चुकी है इसलिए वो इसको लीड कर रही। इसमें कांग्रेस भी शामिल है, इसमें बहुत सारे दल शामिल हैं। तो इसमें जो शामिल है उसमें संयुक्त मोर्चा में CPIM है 137 सीटों पर, फॉरवर्ड ब्लॉक है 18 सीटों पर, रिवॉल्यूशनरी पार्टी है 11 सीटों पर, CPI है 10 पर, फॉरवर्ड ब्लॉक M1 पर, कांग्रेस 92 पर, ISF 25 सीटों पर यहाँ जो है चुनाव मैदान में है। जो सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया यानी SUCI है वो 193 पर लड़ रही है, JDU 40 पर, CPI लेनिन 12 पर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 13 सीटों पर पश्चिम बंगाल में मैदान में है। संयुक्त मोर्चा एक ऐसा मोर्चा है जिसमें सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल शामिल हैं, क्योंकि इसमें कुल 294 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस भी है, CPIM भी है और बाकी दल भी इसमें हैं। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे, वर्तमान में TMC विधानसभा में 211 सीटों पर है, भारतीय जनता पार्टी 3 पर है, कांग्रेस के पास 44 सीटें हैं, लेफ्ट के पास 28 हैं और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के पास 3 और अदर के पास 3 सीटें हैं। ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल विधानसभा की स्थिति है। 2016 के जो नतीजे हमें सामने हैं वो हमें बताते हैं कि TMC ने 44.9% वोट हासिल करके जो है 211 सीटें हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 10.6% वोट पर थी, लेफ्ट जो थे 19.75, कांग्रेस 12.25, GJM 0.47 वोट हासिल करके 3 सीटों पर जीता था। इस तरह से हम देखें तो बंगाल में स्पष्ट बहुमत के लिए 294 सीटें हैं कुल, तो उसमें से 148 सीटें हासिल करना ज़रूरी है जिसे भी सरकार बनानी है। ये स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा है। लोकसभा 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा ने 18 और तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटें यहाँ से जीती थी। पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा में कुल सीटें हैं वो 42 हैं, 42 में से 18 BJP और तृणमूल कांग्रेस 22, जबकि तृणमूल कांग्रेस की पहले सीटें 34 थी। 2020 जून से मार्च 2021 तक कुल भारत में अलग अलग न्यूज़ चैनल्स और अलग अलग सर्वे कंपनियों ने मिलकर के कुल 12 सर्वे पश्चिम बंगाल के नतीजों को लेकर अब तक किए हैं जो टेलीविज़न पर प्रसारित हुए हैं। उन सर्वेज को हम अगर एवरेज निकालते हैं, उनका औसत निकालते हैं, तो इन 12 सर्वे में से 10 में स्पष्ट रूप से तृणमूल कांग्रेस को विजेता बताया गया था, जबकि 2 सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को विजेता बताया गया था। लेकिन मैं जो आपको आगे बताऊंगा वो इससे ठीक उलट स्थिति हो सकती है। 12 सर्वे के औसत में BJP 34% मत के साथ 120 पर जीतती दिख रही है। इसका एवरेज बता रहा हूँ मैं, 12 जो सर्वे हुए उसके एवरेज में 120 सीट BJP जीतती दिख रही है 34% वोट के साथ, जबकि TMC 38% यानी 4% वोट के
से आगे होते हुए 146 सीटें जीत की दिख रही, जबकि बहुमत का आंकड़ा 148 है। तो सर्वे के सारे 12 सर्वे का एवरेज निकाले तो हंग असेंबली यहां पर बन सकती है। 12 सर्वे के औसत में जो संयुक्त मोर्चा है वो 13% मत के साथ 23 सीटें जीतता दिख रहा है। संयुक्त मोर्चा का अर्थ है जिसको CPIM लीड करेगा और कांग्रेस उसमें एक कंपोनेंट के रूप में जुड़ी हुई है। 12 सर्वे के जो औसत हैं उनमें अन्य को जो वोट मिलने वाले हैं वो 5% हैं, और अन्य जो 5% वोट के बदले में पूरे पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर जीतते दिख रहे हैं। ये बात जो है 12 जो सर्वे हुए हैं जून 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच, उनका एक एवरेज निकाला गया है। अगर हम पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की उन 3 बातों पर ध्यान दें जिनसे कि पश्चिम बंगाल में जो है उसके लिए डगर मुश्किल है और लोग तृणमूल कांग्रेस से नाराज हैं, तो उनमें सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है जो बंगाल का मूल निवासी है, जो प्रभावी है और बंगाली का एक पहचान है, वो उनसे नाराज है। ये ब्रिटिशर्स की तरह होते हैं, बहुत कंजर्वेटिव और जड़ों पर रहने वाले होते हैं, ज़मीनी लोग होते हैं, ये इनसे नाराज़ हैं। दूसरा जो नाराज़गी की का कारण है वो है विश्वस्तों को जो है ममता बनर्जी ने उपेक्षा की है, अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को उन्होंने हमेशा आगे किया है, इसकी वजह से जो शुभेंदु अधिकारी वगैरह बाहर भी आ गए हैं, एक दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह TMC वर्कर्स का एक ऐसा सिंडिकेट है जो वहाँ पर गुंडई और दादागिरी करता है, जो कोई अगर मकान भी बना रहा होता है तो वो उस मकान में ईंट गारा मिट्टी जो है तृणमूल के किसी भी व्यक्ति से लेना अनिवार्य सा किया जाता, घोषित तौर पर ऐसी जो है बंधन लगाए गए हैं। लेकिन सब कुछ खराब नहीं है, ममता बनर्जी 10 साल से वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और एक भारत की बड़ी राजनेता हैं, एक अच्छी विल पावर वाली नेता हैं, तो उनकी कुछ मजबूतियाँ भी हैं। आइए हम जानते हैं वो 3 बड़ी मजबूतियाँ ममता बनर्जी की क्या हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पर अपना वजूद रखती हैं। सबसे पहली जो उनकी मजबूती है, ताकत है, वो है सादगी। कोई प्रदर्शन नहीं करती, हवाई चप्पल पहनती हैं सामान्य सी, हालांकि वहाँ पर पश्चिम बंगाल का एक कल्चर रहा है, वहाँ पर बुद्धदेव भट्टाचार्य चंद्र मुख्यमंत्री रहे, वो भी एक 2 BHK मकान में रहते थे, अपनी गाड़ी से जाते थे। ऐसे ही दूसरी जो इनकी खूबी है वो जुझारू हैं, लोगों के लिए आधी रात को भी खड़ी रहती हैं, अपने कार्यकर्ताओं और अपने पक्ष के अधिकारियों के लिए वो हमेशा खड़ी रहती, जैसा आपने देखा होगा CBI के समय राजीव कुमार के साथ वो आधी रात को अपने दलबल के साथ पहुँच गई थी। तीसरी जो उनकी ताकत है वो सोशल इंजीनियरिंग की मास्टर प्लानर है, सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से जानती हैं वो, तभी देखिए आप आजकल वो चंडी पाठ किया करती हैं रैलियों में और देवी का काम करती हैं, वो बीच में ब्राह्मणों को उन्होंने भगवत गीता भी बांटी थी, इस तरह से उन्होंने ये काम किए हैं। बंगाल में 3 बातें जो हैं इस बार के चुनाव में 100% सच होने जा रही हैं, और ये 3 बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं जो बंगाल के अब तक के हुए इलेक्शंस की दिशा पलट देंगे, हारे जीते कोई भी। इनमें सबसे पहली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में अब तक जो है हमेशा ही सरकारवादी चुनाव होते रहे हैं, जो भी पार्टी आई है वो सबका सुपड़ा साफ करके आई है, लेकिन इस बार कोई भी विपक्ष में रहेगा वो बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में रहेगा, क्योंकि सीटें उसके पास पर्याप्त रहेंगी। दूसरा जो बंगाल में होने वाला परिवर्तन है वो ये है कि सरकार में कोई भी आए वो अब मनमानी नहीं कर पाएगा, यानी कि कहने का मतलब मजबूत विपक्ष होगा तो मनमानी करने का सवाल ही नहीं है, और कई मसलों पर डिस्कशन बहुत हो गया इसलिए उन मसलों पर ध्यान रखना होगा। तीसरा जो है वहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है यानी हिंदू समाज जो है उसकी उपेक्षा पश्चिम बंगाल में अब कर पाना असंभव जैसा होगा, जैसा कि हमने सुनते आए हैं कि दुर्गा पूजा के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ गया था, कई बार ऐसे त्यौहार पड़ गए हैं दूसरे समाज के तो हिंदू समाज को सेक्रीफाइस करना पड़ा। जो मेरा अनुमान है, जो मैंने विभिन्न लोगों से बात करने के बाद जो अनुमान तय किया है, जो बनाया है, उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 152 सीटों के साथ इस चुनाव पर कब्जा करने जा रही है, यानी पश्चिम बंगाल में BJP की सरकार बन रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि तृणमूल कांग्रेस 132 सीटों तक आसानी से पहुँच सकती है। चूँकि आप इसको अगर वोट कैलकुलेशन करें, वोट परसेंट में देखें, तो लोकसभा चुनाव में सिर्फ 40.64% वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी 44% वोट पा करके 152 सीटों तक पहुंच रही है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 148 है। इस तरह से देखें तो तृणमूल कांग्रेस भी कोई कम नहीं कर रही है, जिसने 44% वोट हासिल किए थे पिछले विधानसभा में, लगभग 45% कह सकते हैं, वो अब इस बार 38% वोट के साथ सिर्फ 132 सीटों पर सिमटेगी। 38% वोट तो उसके कोर वोट हैं जो कभी इधर उधर होने वाले नहीं लगते हैं।
इस तरह से देखें पश्चिम बंगाल की रिजल्ट है। 2 मई को आप इस वीडियो को अपने पास रखिए, 2 मई को इस वीडियो को अपने पास रख कर के एक बार मिलाइएगा रिजल्ट कितने सटीक होते हैं। इस पोल को तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर फैले पत्रकारों और विभिन्न सोर्सों से हमने तलाश की है, बात की है और फील्ड को समझा है, विभिन्न राजनीतिक दलों से भी बात हुई है, तब जा कर के इस नतीजे को तैयार किया गया है। और अगर आप देखना चाहें तो 2 मई को इस नतीजे की जो है हकीकत को भी आप देख सकते हैं, नोट कर लें। भारतीय जनता पार्टी 152 मिनिमम सीट्स पर जीत रही है और तृणमूल कांग्रेस 130-132 तक जाकर के सिमटने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।